नमस्कार दोस्तों, एसके क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपना टॉपिक है किसी एक समान आवेशित चालक गोले के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब माना कोई बिंदु गोली चालक के बाहर स्थित है या गोली खोल के बाहर स्थित है। अब उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? माना वो बिंदु क्या है? पी। उस बिंदु की गोली चालक के केंद्र ओ से दूरी कितनी है? एक्स। और गोली चालक की त्रिज्या स्मॉल आर है। तो और गोली चालक पर क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। तो माना इस पे एकांक क्षेत्रफल क्या है? अल्प क्षेत्रफल मान लो डी ए। पी बिंदु पर अल्प क्षेत्रफल क्या है? डी ए। तो अब डी ए और ई की दिशा एक ही सा है, दोनों की दिशा एक ही है। ठीक है, तब अल्प क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, अल्प विद्युत फ्लक्स हो जाएगा, अल्प क्षेत्रफल से मिलेगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? डी फाइव। डी फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा, थीटा यहां पे कितना है? 0 डिग्री। तो डी फाइव इज इक्वल टू ई डॉट डी ए, यहां पे रख देते हैं जैसे हम ई डी ए कॉस 0। कॉस 0 का मान क्या होता है? 1। तो डी फाइव इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ई डी ए। अब हम लोग क्या करते हैं कि ओ को केंद्र मानते हैं तथा एक्स को त्रिज्या मानते हुए, ओ को केंद्र तथा एक्स को त्रिज्या मानते हुए एक गौसी पृष्ठ की कल्पना करते हैं। अब एक गौसी पृष्ठ खींचते हैं जो बिंदु पी से होकर गुजरेगा। एक गौसी पृष्ठ इस चालक के चारों ओर खींचेगा, हम लोग गोली चालक है तो गोली के चारों ओर खींचा जाएगा। ठीक है, तो इस पर हमें क्या करना है? एक गौसी पृष्ठ की कल्पना करनी है, गौसी पृष्ठ खींचना है एक्स त्रिज्या मानते हुए, यानी ओ केंद्र बिंदु ओ से एक्स त्रिज्या मानते हुए, जहां पे पॉइंट पी भी आएगा। तब उस गौसी पृष्ठ से, तब उस गौसी पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा? देखो क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है, क्योंकि ये गोला है तो चारों ओर से विद्युत फ्लक्स निकलेगा, इसके चारों ओर से विद्युत क्षेत्र बल रेखा निकलेंगी, तो इसके इससे निकलने वाला विद्युत फ्लक्स चारों ओर होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? फाई इज इक्वल टू समाकलन ऑफ डी फाई, यानी डी फाई का क्या करते हैं हम लोग? समाकलन। तो इसका समाकलन कर देंगे कि क्या आ जाएगा? ई समाकलन ऑफ ई डी ए, ई बाहर कॉन्स्टेंट है, समाकलन ऑफ डी ए, डी ए का समाकलन हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? नॉर्मल ये आ जाएगा अपना ई ए। तो फाइव इक्वल टू क्या आ गया आपका? ई ए। फाइव इक्वल टू आ गया आपका ई ए। अब देखो फाइव क्या होता है? फाई आपका हो जाएगा, जैसे आपने पढ़ा है विद्युत फ्लक्स, पहले आपने पढ़ा है विद्युत फ्लक्स फाई बराबर जो गौसी प्रमेय से, तो गौसी प्रमेय से यहां से ले लेंगे, गौसी प्रमेय से यहां पे लिख लो, गौसी प्रमेय से फाई इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो यहां पे क्या आ जाएगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो ई ए। ये ए क्या है? ये ए है इसका जो क्षेत्रफल है टोटल गौसी पृष्ठ का, ये निकाला है हमने। तो गौसी पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? अब गोले का क्षेत्रफल, जो गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr² ठीक है, तो यहां पर रख देंगे हम लोग, जैसे एक ही जगह पे रख सकते हैं क्या?
बराबर हो जाएगा 4πr² होता है, लेकिन इसकी त्रिज्या क्या है x, तो ये क्या हो जाएगा x² आर स्क्वायर की जब क्या हो जाएगा x² ठीक है। तो जैसे हम लोग कर लेंगे यहां पे एक ही जगह 4πx² रखना है। अब क्यू होता है, जैसे हमने पढ़ा है क्यू बराबर होता है आपका सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए, तो क्यू बराबर हो जाएगा सिग्मा ए, क्यू बराबर क्या आ जाएगा सिग्मा ए, ये किसके लिए गोली खोल के लिए, क्यू बराबर क्या होता है सिग्मा ए, ठीक है, तो क्यू बराबर आएगा आपका सिग्मा ए, तो यहां पर रख लेते हैं हम लोग क्यू बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा ए बटे एप्सिलॉन 0 बराबर ई 4πx². अब सिग्मा ए क्यू कौन से किस पे, इस छोटे वाले गोले पे वितरित है एक समान रूप से, तो ये इसका आ जाएगा जो क्षेत्रफल होता है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा एस सिग्मा 4πx, इसकी त्रिज्या क्या है स्मॉल आर, आर स्क्वायर बटे एप्सिलॉन 0 बराबर ई 4πx². अब मैं निकालना क्या है विद्युत क्षेत्र तीव्रता, तो यहां से ई का मान सिंपली हम लोग निकाल लेंगे, यहां से ई का मान निकालेंगे, तो यहां से ई का मान निकालो आप, तो यहां से ई बराबर आ जाएगा आपका 4π से 4π सीधा चला गया यहां से, तो ई बराबर आ जाएगा आपका सिग्मा आर स्क्वायर बटे एप्सिलॉन 0 x² ठीक है, ये आ जाएगा सिंपली आपका। इसके दो तरीके हैं, जैसे एक तो ये था सिंपली सीधा आ सकता है यहां से, और एक इसका सिंपल तरीका और है वो हमें आगे वाली वीडियो में दिखा देते हैं आपको। एक तो अपना ये निकल रहा है, अब इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जैसे हम लोग इसको पृष्ठीय आवेश घनत्व पदों में ना लिखें, सीधा सीधे सिंपल ले लें यहां से ई ए, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 बराबर ई, ए का मान क्या है 4πx², ठीक है, यहां से सिंपल हमें ई का मान निकालना है, तो ई बराबर क्या आ जाएगा यहां से क्यू बटे 4πx² नीचे जाएगा इसके, तो 4πε0 x² यही कंप्लीट हो जाता है अपना। ओके सिंपल है वो है, ये भी दोनों सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसकी स्थिति सेकंड आती है, जैसे जब बिंदु P गोली पृष्ठ पर स्थित है, पहले बाहर था अब गोली पृष्ठ पर स्थित है, गोली पृष्ठ पर स्थित होगा तो R बराबर क्या हो जाएगा x, यानी कि जो x था जो हम दूरी मान रहे थे वो से P की वो x है वो क्या R के बराबर हो जाएगी, तो हमें क्या रखना है सिंपली x बराबर R, या फिर इसमें भी रखेंगे तो x बराबर R, दोनों फॉर्मूला लिख सकते हैं, तो E बराबर Q अपॉन 4πε0 x की जगह क्या रखना है R बराबर x हो जाएगा, या x बराबर R बात तो वही है, तो क्या रख देंगे r², ठीक है, उसमें भी रख के देखो इसमें क्या आ जाएगा, जैसे ये है तो अपॉन r² बटे εr0 r² गया तो क्या बचेगा सिग्मा अपॉन εr0, तो ये दोनों तरीके से आ गया अपना, ठीक है। अब आती आपकी स्थिति थर्ड, जब बिंदु P गोली पृष्ठ के अंदर स्थित है, यानी कि गोली पृष्ठ है, बिंदु P कहां आ गया, पहले बाहर था फिर पृष्ठ पे आया, अब कहां आ गया अंदर, पहले बाहर था फिर पृष्ठ पे आया फिर अब आ गया अंदर, अब अंदर होगा तो इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। अब एक बात बताइए, जैसे विद्युत बल रेखा कहां से चलती है, प्लस से बाहर की ओर निकलती है, विद्युत बल रेखा प्लस से बाहर की ओर निकलती है, जब यहां पे अंदर कोई विद्युत बल रेखा जाएंगी नहीं, जब चालक के अंदर कोई विद्युत बल रेखा जाएंगी नहीं, तो फिर अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, सुन E = 0, यानी कि विद्युत बल रेखा क्यों, क्योंकि फ्लक्स विद्युत बल रेखा अंदर की ओर जाएंगी, विद्युत क्षेत्र अंदर होगा ही,
विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर निकल रहा है यहां से और हमेशा आवेश कहां स्थित होता है, पृष्ठ पर, आवेश चालक के पृष्ठ पर स्थित होता है। तो अंदर विद्युत क्षेत्र तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है, शून्य होगा, ठीक है।